Good morning, student. As you know, I am your math teacher. A student, today I am going to teach class 2 maths. बच्चों आज हम लोग क्लास 2 के मैथ्स में चैप्टर 2 जो हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ नंबर नंबर्स फॉर्मेशन के बारे में पढ़ के और आज हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट आपका है जो क्वेश्चन ए शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द आर्कस ऑन द वन हैज बीन डन फॉर यू। एक आप लोग के लिए आपके बुक में ये बना के दिया हुआ है एक क्वेश्चन जो है इसको क्या दिखाना है शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन आर्कस आर्कस पे इसको शो दिखाना है और उसमें कह रहा है वन हैज बीन डन फॉर यू। एक आपके लिए आपके बुक में एक क्वेश्चन बना के दिखाया हुआ है इसके इस तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे दिया है 156 वो आपको दिखाना है आर्कस पर। तो इसमें क्या है वंस टेंस और हंड्रेड वहां लिखेंगे वंस टेंस और हंड्रेड का कॉलम बनाएंगे और इसमें वंस के प्लेस पर सिक्स तो यहाँ सिक्स लिखेंगे फाइव है टेंस के प्लेस पर तो आप फाइव लिखेंगे वन है हंड्रेड प्लेस पर वहां लिखेंगे और आर्कस बनाकर उस पर सिक्स है तो उसमें सिक्स तो गोला हम बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेंस पर फाइव है तो वन टू थ्री फोर फाइव और हंड्रेड पर वन है तो वन गोला बनाएंगे। इस तरह से इसको हम लोग 156 को इस तरह से आर्कस बना के हम लोग आर्कस पर इसको दिखाएंगे कि यह नंबर जो हुआ 156 हुआ। तो ये तो आपके बुक में बनाया हुआ है एक हम मैंने बना दिया आपको क्वेश्चन नंबर वन है 87 को बच्चों इसमें क्या है वंस और टेंस है केवल या इसमें थ्री डिजिट है यह केवल टू डिजिट है वंस और टेंस तो यहाँ लिखेंगे वंस और टेंस वंस के प्लेस पर सेवन है तो यहाँ सेवन को लिखे हम और एट है तो यहाँ इसको एट भी दिए ठीक है। अब वंस में कितने बच्चों सेवन है तो यहाँ सेवन को हम गोला लगाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात ठीक है और एट इसमें है टेंस के प्लेस पर एट है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इस तरह हम बच्चों जितने भी नंबर होंगे उसको वन डिजिट टू डिजिट जैसे भी होंगे उसको हम वंस टेंस हंड्रेड लिखकर और उसको लाइन खींचकर उसको हम उतना नंबर जितना वंस के प्लेस पर जो भी डिजिट होगा उतना गोला उस पर घेरा लगाएंगे हंड्रेड के टेंस के प्लेस पर जो जितना डिजिट होगा उतना हम इसमें गोला लगाएंगे हंड्रेड होगा तो हंड्रेड के प्लेस पर थाउजेंड होगा तो थाउजेंड के प्लेस पर इस तरह हम इसको आर्कस पर दिखाएंगे नंबर ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ए है कम्युनिटी डिवीजन में आपको जो चल रहा है यह चैप्टर तो इसमें आपको यह थ्री डिजिट और टू डिजिट को आप लोग आर्कस पर दिखाना आपको सीख गए ठीक है ना। ये तो आप समझ गए बच्चों इसको आर्कस पर कैसे दिखाना है आर्कस पर नंबर डिजिट को देखेंगे डिजिट के अनुसार उसको हम वंस टेंस हंड्रेड लिख के उस डिजिट को उस कॉलम में लिखेंगे उसके अनुसार हम लोग आर्कस खींचकर उस पर हम उतना क्या करेंगे सर्कल बना देंगे ठीक है। इसको समझ चुके होंगे अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। बी कह रहा है राइट इन एक्सपेंडर फॉर्म फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू। एक जो क्वेश्चन आपको फिर ये 72 एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा ना विस्तारित रूप ये पढ़ाएगा आपको एक्सटेंडेड फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म तो इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म कर रहे हैं यानी विस्तारित रूप में इसको लिखना है कैसे लिखेंगे इसके बारे में हमको पढ़ना है। ये 72 है बच्चों तो 72 में कितने टेंस है वंस टेंस यानी सेवन टेंस के प्लस तो सेवन टेंस लिखे और टू वंस है तो टू वंस लिखे बीच में हम प्लस का चेंज देते हैं अभी एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए बीच में हम एड का सिंबल देते हैं तो ये सेवन टेंस कितना हुआ 70 और टू वंस कितना हुआ तो क्या हुआ 70 प्लस ऐसे आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं और मैंने याद देख रहे हैं और लिखा हुआ है आप ऐसे भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों सही है। तो ये आपको टू डिजिट का बना बनाया हुआ आपके बुक में और एक मैंने बनाया था क्वेश्चन नंबर 135 इसमें आपको हंड्रेड के प्लेस पर क्या है वन है वन टेंस हंड्रेड तो यहाँ लिखे 100 थ्री है टेंस के प्लस पर तो थ्री टेंस और फाइव वंस के प्लस पर प्लस फाइव वंस सब बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे तो 100 कितना है बच्चों 100 क्या होता है 100 थ्री टेंस 30 और प्लस फाइव वंस फाइव तीनों में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे तभी विस्तारित रूप होता है जब भी किसी नंबर में हम उसको अलग करके उसमें प्लस का सिंबल यानी ऐड का सिंबल लगाने के बाद ही विस्तारित रूप होता है। तो यह समझ गया कि आपको जब भी किसी को एक्सपेंडेड फॉर्म करना होगा उसके उसके प्लेस वैल्यू को हम प्लेस वैल्यू का स्थान से लिख के प्लेस को उसको लिख कर पूरा वैल्यू उसको उस नंबर का हम प्लेस वैल्यू लिख कर प्लस का चिन्ह देकर तब उसको हम विस्तारित रूप में लिखते हैं ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखना है दो आपको क्वेश्चन बन गया टू डिजिट और थ्री डिजिट ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म
एक भी इसमें भी कह रहा है कि वन हैज बीन डन फॉर, एक भी इसमें बना हुआ है आपके लोग। जैसे क्वेश्चन वन है कि 500 प्लस 4 टेंस प्लस 6 वंस, तो यहां पर देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म करना था, इसको क्या रहा था विस्तारित रूप में इसको फैलाना था, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में छोटा रूप करना है, ये आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको पहले प्लस वैल्यू के अनुसार इसका मान लिखेंगे, 500 क्या होगा 500 और 4 टेंस 40 और 6 वंस 6, तो इसको टोटल को ऐड कर कीजिएगा तो 546 हो गया। इसको बच्चों ऐसे हम नंबर में लिख दिए, वर्ड्स में लिखेंगे तो 546 हो गए, 46 हो गया, ठीक है। तो यहां हो गया 546। तो इस तरह फिर एक तो ये आपका कितना है, ये 3 डिजिट का है, मैंने 2 डिजिट का दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया, 8 टेंस और 5 वंस है, 8 टेंस और 5 वंस। 8 टेंस क्या होता है, 8 टेंस 80 और प्लस 5 वंस क्या होगा बच्चों 5, 80 प्लस 5 क्या होगा 85, इसको वर्ड में लिखेंगे 85, ठीक है। ये दोनों लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आपका क्या होगा शॉर्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के या शॉर्ट फॉर्म के जो भी हो। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस बेस पर, इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों, एक अभ्यास बनाने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन आपको बना दिया है, फिर भी जब टू जीट का इस पर जितने आधारित होंगे आप अपने नोटबुक में इसको बनाएंगे समझ के। क्वेश्चन नंबर बी पर एक्सटेंडेड फॉर्म है, इस पर बेस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन के बेसिक पर इसको आप खुद नोटबुक में इसे आगे बनाइएगा, और सी में भी जितने क्वेश्चन होंगे जो एक्सटेंडेड फॉर्म को हम समझाएं इसको छोटा रूप करना है, इसको सबको जो विस्तारित रूप लिखा हुआ है इसको ऐड करके इसका छोटा रूप करना है, इसको एक्सटेंडेड फॉर्म को क्या है छोटा रूप है इसको विस्तारित रूप में लिखना है, फैला के लिखना है। तो ये आप लोग समझ गए हो तीनों क्वेश्चन ए और बी और सी, इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों उसको आप अपने नोटबुक में बनाएंगे, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। अगले फिर आगे से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।